जल शक्ति विभाग द्वारा पैरा पंप ऑपरेटर पद की नियुक्तियां की जानी है, जिसको लेकर बड़सर के पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के डिप्लोमा होल्डर उपायुक्त हमीरपुर से मिले और एक ज्ञापन सौंपा। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के डिप्लोमा होल्डरों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पैरा पंप ऑपरेटर पद के लिए पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक डिप्लोमा होल्डरों को प्राथमिकता दी जाए। धंगोटा के निवासी चुन्नी लाल ने बताया कि जल शक्ति विभाग द्वारा पैरा पंप ऑपरेटर पद की नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसमें पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के डिप्लोमा होल्डरों को प्राथमिकता न देकर अन्य ट्रेड्स को बुलाया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पैरा पंप ऑपरेटर पद के लिए पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के डिप्लोमा होल्डरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के डिप्लोमा होल्डर उपलब्ध नहीं है तो अन्य ट्रेड्स के पात्र लोगों को पद पर नियुक्त किया जाए। हमने पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए अपना अप्लाई कर रखा था बड़सर से, बड़सर डिवीजन से। तो हुआ क्या है कि अभी तक उसमें 45 लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ है वहाँ। तो उसमें से हमारे जो ट्रेड के पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उसमें से सिर्फ 3 ही लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ है। बाकी अदर ट्रेड के बुला लिए हैं जिनका उससे संबंधित नहीं है, जैसे मोटर मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन। तो हमारा हमने डीसी साहब के पास इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमारे को जब हम पंप ऑपरेटर मैकेनिक बैठे हुए हैं तो हमारे को उसमें प्रायोरिटी दी जाए। अगर वो पूरे नहीं हो पाते उसके बाद दूसरे ट्रेड को उसमें बुलाया जाए। तो हम इस संदर्भ में डीसी साहब से मिलना चाहते हैं। आपकी मांग क्या है? हम चाहते हैं कि जो ये नियुक्तियाँ करने के लिए इन्होंने जो 2 लेटर भेज रहे हैं इनको निरस्त किया जाए, फिर से नए तरीके से इसको किया जाए कि नियुक्तियों के लिए फिर से 1 लेटर जो इसके लिए एलिजिबल हैं उनको बुलाया जाए। मेरी समस्या ये है कि हमने पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में ITI करी हुई है, तो मतलब हमें रखा जाए इस वैकेंसी के ऊपर, और क्या बोलते हैं बाकियों के लिए मतलब वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाए पहले। मैं यही बोलता हूँ कि मतलब इसको नए सिरे से स्टार्ट किया जाए।